नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री वीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूँ। आज हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे ये किन्नरी बहन आए हैं और किन्नरी बहन का हम स्वागत करते हैं हमारे सेंटर पे। जी, इनका इंटरव्यू इसलिए लिया जा रहा है कि इनको 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और डॉक्टर को दिखाया था, बहुत सारी दवाइयाँ भी ली थी लेकिन थायराइड क्योर नहीं हो रहा था। और इनका इनका मकसद ये था कि दवाई के बिना कैसे थायराइड क्योर हो सकेगा, मतलब कि कितने सालों तक थायराइड की गोली चलती रहेगी। तो इनके जो हस्बैंड है वो 4-5 साल से ही न्यू डाइट सिस्टम जानते थे लेकिन ये किन्नरी बहन थे वो बहुत फॉलो नहीं करते थे। लेकिन जब थायराइड का प्रॉब्लम आया और इनको ऐसा लगा कि ये बिना दवाई के भी जा सकता है, तो इन्होंने भी सर्च किया कि भाई अहमदाबाद में कौन है कि जो न्यू डाइट सिस्टम के बारे में हमें बताए। तो ये दोनों हमारे पास आए, सिर्फ 2 महीने पहले की बात है और 2 महीने में इनका थायराइड जो है वो क्योर हो गया है। अभी रिपोर्ट भी लेके आए हैं, वो बिल्कुल नील हो गया है। तो ये हमारे लिए कुछ लेके भी आए हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि क्या लेके आए हैं। नमस्ते जी, मैं किन्नरी खत्री, मुझे 2018 से थायराइड था जी और गोली मेरी चालू थी। हाँ जी, फिर मेरे हस्बैंड ये सिस्टम फॉलो कर रहे थे जी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो मेरी 31st को मेरी बर्थडे थी, हाँ जी, बोले मैं तेरे को ये गिफ्ट देता हूँ। हाँ जी, हेल्दी, हाँ जी, हेल्दी रहने की, हेल्दी लाइफ की गिफ्ट देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आई और मैडम को मिली जी, फिर उन्होंने सब समझाया, फिर मैंने वो सब फॉलो किया। 3 टाइम मैं एनिमल लेती थी, हाँ जी, फिर फूल चालू किया जी, फिर जूस किया, जो जूस किया, एस गार्ड का जूस पिया और कच्ची सब्जी है, चटनी है, फिर स्प्राउट्स है जी, वो सब खा के मैंने मेरा 1.5-2 महीने में मेरा थायराइड है वो एकदम नील कर दिया जी। आप पहले तो आपके हस्बैंड बहुत बार बताते थे कि ये सिस्टम करनी चाहिए करनी चाहिए, तभी तो आपको इतना ये सिस्टम पे विश्वास नहीं था। लेकिन अभी आप दोनों टाइम कच्चे भोजन पे हो या एक टाइम पके भोजन पे हो? दोनों टाइम में कच्चे भोजन पे जी। और आपके हस्बैंड के लिए खाना बनता है कि वो भी कच्चे भोजन पे? मेरे साथ यही खाते हैं जी। तो आप ये सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि जब भी वाइफ को प्रॉब्लम होता है तो ऐसा नहीं है कि वाइफ जो है वो हस्बैंड के लिए खाना पका के देते हैं, हस्बैंड जो है वो पहले से ये सिस्टम को बहुत अडॉप्ट कर चुके थे तो वो भी खाना नहीं खाते थे। मतलब कि सुबह दोपहर शाम और रात 4 टाइम का जो भोजन है वो टोटली रॉ फूड पे आ गए हैं और सिर्फ 2 महीने में इनको रिजल्ट भी मिल गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मतलब कि हम तो सबको बताते रहते हैं, बिल्कुल निशुल्क में सबको बताते हैं कि आप ये सिस्टम करो, लेकिन कोई कोई करता है, कोई नहीं करता है, कोई एक टाइम खाता है, कोई एक टाइम छोड़ देता है, कोई एनिमा में करता है, नहीं करता है। तो रिजल्ट किसी को 1 साल के बाद मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। लेकिन इन्होंने बहुत शिद्दत से ये काम किया कि लगातार 2 महीने से टोटली रो फूड पे। सिर्फ डॉक्टर को जब भी आपने रिपोर्ट दिखाया तो उनको भी आश्चर्य लगा कि थायराइड तो किसी का जाता ही नहीं है जी। तो आपका थायराइड देख के डॉक्टर क्या बोल रहे थे? डॉक्टर बहुत खुश हो गए जी। ऐसे तो मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा है जी कि 2 महीने में इतना पुराना जो है थायराइड जी वो क्योर हो गया, तो कैसे क्योर हुआ जी। तो ये न्यू डाइट सिस्टम की कमाल है कि जो नेचुरल भोजन है, जो भगवान का बनाया हुआ है वो खाना है, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी है। बाकी रोटी सब्जी दाल चावल पकाने में तो हमारे पूरी किचन में जल्दी चली जाती है और इससे तो अच्छा है कि ऐसा मैंगो खा ले, ऐसा पाइनएप्पल खा ले और पूरा दिन निकल जाता है। और आज जी, आज हम लोग क्योर होने के बाद तो कल हमने रिपोर्ट करवाया और रिपोर्ट में ये सारी चीजें जो हुई कि थायराइड एकदम कम हो गया और बाकी जो अच्छी चीज है जैसे बीट वेल, फिर
हीमोग्लोबिन ये सारा अच्छी तरह से बढ़ गया, D3 भी बढ़ गया, बढ़ गया जी। हम आपको रिपोर्ट भी दिखा देंगे इनका। हमारा हम लोग गुरु दक्षिणा के तौर पे जी फ्रूट लेके आए हैं, हम जो खाते हैं वही हम मैडम जी। थैंक यू सो मच। मैं किसी को ऐसा बोलती नहीं हूँ कि कुछ भी गिफ्ट लेके आओ, लेकिन ये अपने आप प्यार से कुछ लेके आए हैं तो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसा मत समझना कि आएंगे तो यहाँ पे फ्रूट्स लेके जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर पे सुबह शाम दोपहर रात पूरे दिन हम फ्रूट्स ही खाते हैं, लेकिन आपकी गिफ्ट जो है हम स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। आप न्यू डाइट सिस्टम के बारे में बताइए। आप तो मुझे लगा कि बहुत सारे आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको बताते रहते हो, वो बात बताइए। यानी हमारा अंदर से एक इच्छा रहती है कि हम जिस तरह अच्छी लाइफ जी रहे, वो भी सभी हमारे जो सर्कल वाले हैं वो भी जिए। तो हम लोग अच्छी एक उत्सुक रहते हैं बताने के लिए कि किसी को भी सुना कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो अंदर से वो आवाज आई जाती है कि भाई आप ये शुरू क्यों नहीं करते, आप ये शुरू कर दो। तो हमारा अंदर से वो रहता ही है, लेकिन कई कई लोग ऐसे ही टाल जाते हैं, ऐसे ही सब छोड़ देते हैं। तो फिर हमको भी होता है कि नहीं, उनको नहीं बोलना है, छोड़ो भाई। जब तक उसकी प्यास नहीं होती है तब तक बताने में हमको भी मजा नहीं आता जी। लेकिन फिर भी हमारा तो कर्म है कि बताते रहो, बताते रहो। उनका कर्म क्या है कि सुने ना सुने, करे ना करे, उनके ऊपर। हाँ, वो उनके ऊपर, लेकिन हमें बताते ही रहना चाहिए। और आज हमारा खुद का अनुभव है कि भी हमारा खुद का थायराइड ये कम हो गया जी। मेरा भी वेट 80 से 70 हो गया, मेरी वाइफ का वेट 68 से 60 हो गया जी। और जस्ट इन 1.5 मंथ जी, सिर्फ 1.5 महीने में इनका 8 किलो वजन कम हुआ है। और इतने उत्सुक हैं ये हमें बताने के लिए कि इनको इतना सारा फायदा हुआ है जी। आपने 2 महीने से ये सिर्फ रॉ फूड पे हैं, तो आपको क्रेविंग हो रही है वो पकाया हुआ भोजन खाने की, या घर में किसी और के लिए बन रहा है, तो उनके बारे में सबको बताइए। नहीं नहीं, जैसे न्यू डाइट सिस्टम में एक चीज महत्व की है कि जो कुदरत ने जैसा बनाया है वैसा ही हमको लेना है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, उसको कुछ चेंज नहीं करना है। तो कुदरत ने जो भी हमको दिया है, फ्रूट, फल, पत्ते, वो उसी फॉर्म में हम लोग खा रहे हैं। तो घर में जैसे 10 लोग है, तो हमारे 2 हम रॉ फूड खाते हैं, बाकी 8 लोग पका के खाते हैं। तो उनको ऐसा रहता है कि भाई ये सुखड़ी बनाई के खा लो, थोड़ी दाल चावल अच्छी बनाई के खा लो। लेकिन अंदर से जब हमारा स्ट्रॉन्ग होता है मन, और इतने दिन से खाते आ रहे हैं, चटनी और ककड़ी खाने में इतनी मजा आती है, और अभी उनकी चीजों का रियल टेस्ट आता है कि चटनी असल में कैसी लगती है। और ये खाने के बाद अभी दाल भात खा रहे तो दाल की वैसी में स्वाद नहीं आता जैसा पहले आता था। अभी उसमें मिर्ची और हल्दी वो सब अलग अलग लग रहे हैं, तो ये एक चेंज हुआ है। और ये सब खाने में अभी इच्छा ही नहीं हो रही है। और दूसरा फायदा ये है कि ओवर ईटिंग बंद हो गया कि जब आप नेचुरल फूड खाते हो तो अंदर से बॉडी ही बोल देता है कि आपका पेट भर गया। वो और चीजों में क्या होता है कि भी पेट भर गया, ऊपर से भी हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। बहुत सच बात कही आपने। शादी में, ब्याह में, बर्थडे में, पार्टी में, वो सभी जाना जगह जाते हैं, तभी भी ऐसा होता है कि सारे लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं खाते हो, या फिर हमें भी ऐसा हो जाता है कि चलो खा लेते हैं, तो उस वक्त आपका डिसीजन क्या होता है? अभी तो गए नहीं है, पर जस्ट अभी बर्थडे गई। हाँ जी, तो केक लाए थे। हाँ जी, तो केक काटे थे, सबने केक खाई थी, बोले कि मैंने बोला नहीं ठीक है जी, मैंने इसे खाली थोड़ा सा चखे, मेरी केक आपकी ही बर्थडे थी? नहीं, मेरी बर्थडे नहीं थी। अच्छा, किसी और की बर्थडे थी जी। तो हाँ जी, वो बस तब खाली मैंने थोड़ी सी चख ली, ऐसे मैंने बोला बस मेरा पेट भर गया, मेरे को नहीं खाली। तो ये सब जो दिमाग में भी सोच बदल जाती है, शरीर में से भी ऐसी आवाज आती है कि रॉ फूड है वो ही बेस्ट फूड है, और जो पकाया हुआ भोजन खाने के बाद भी गिल्टी फील होती है कि ये कहाँ खा गया, इससे तो अच्छा था कि हमारा रॉ फूड था वो ही अच्छा था। तो ये सारा हमें कब आएगा? जब एनीमा करते हैं। ये एनीमा करेंगे तभी दिमाग की बत्ती चालू होती है कि कचरा साफ कर दिया, अब कचरा नहीं डालना है, नहीं तो फिर से कचरा साफ करना। हाँ, फिर से साफ करना पड़ेगा। जैसे घर की सफाई करते हैं फिर ऐसा होता है कि अभी अच्छा रहे तो अच्छी बात है, वैसे ही पेट का भी ऐसा है कि हम एनीमा से क्लीन कर देते हैं, फिर उसके बाद कचरा डालने का मन नहीं होता है। शुरू शुरू में जब हम लोग एनीमा लेते थे तो इतना गंदा कचरा, काला काला निकलता था कि हमको लगता था कि ऐसा कचरा हम लेकर फिर रहे,
और आज जब एक डेढ़ महीने के बाद अभी एकदम से अंदर इंटेस्टाइन क्लियर हो गई है, तो अंदर से ही लगता है कि नहीं भी घिसना नहीं डालना है, नहीं तो इतना भी बोले अभी वो अंदर खाने का ही मन नहीं हो रहा है जी। और एक इनका जो प्रॉब्लम क्योर हो गया है उसके बारे में बताएंगे कि इनको ब्यूटी पार्लर का काम है और पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है, तो नी में प्रॉब्लम हो गया था, बहुत डॉक्टर को भी दिखाया था, बहुत दवाइयां भी खाई थी, और जो पांव के ऊपर जो बेंड पेन के खड़े रहना होता है, बेंड पेन के खड़े रहना होता है, वो लेके आए थे, अभी वो भी आपका आप बताइए एकदम क्योर हो गया है जी। मेरा काम खड़े खड़े रहने का एक था जी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम है, डॉक्टर को बताया, एक्सरे करवाया, डॉक्टर ने बोला कि जॉइंट्स में प्रॉब्लम है जी, और अंदर वो घसारा बोलते हैं वो चालू हो गया, यहाँ पे सूजन आ गया, और यहाँ पे पूरा सूजन हो गया जी, तो सोसाइटी में एक राउंड भी लगाना मुश्किल था जी। तो अभी इतना अच्छा है, मैंने फिजियो भी ली थी हाँ जी, एक महीने तक मैं फिजियो में गई, फिजियो में किया, फिर मेरे को कोई फायदा तो नहीं हुआ था, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर आपके यहाँ आई, फिर मैंने ये सिस्टम चालू की, तो 15 दिन के बाद मेरा प्रॉब्लम धीरे धीरे बंद हो गया, अब मैं नीकैप भी नहीं पहनती हूँ और कोई रिवर और कोई गोली भी नहीं खाती हूँ, और रिवर फ्रंट में मैं पूरा 3 किलोमीटर ऐसे ही चलती हूँ बिना नीकैप के, बिना इनको पैर में इतना सारा फायदा हो गया है, और रिवर फ्रंट जाके वॉक करने जाते हैं तो इनकी जो स्किन है वो भी बहुत ही ग्लो करती है। वैसे तो पार्लर चलाते हैं तो पार्लर में ऐसा बोलते हैं कि फेशियल कराना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे जब भी आए थे तो मैंने ये कहा था कि अगर ये नेचुरल फ्रूट खाएंगे तो कभी भी फेशियल की जरूरत नहीं पड़ती है। और अभी तो लॉकडाउन, ये कोरोना की वजह से पार्लर भी सभी कम आने लगे हैं, लेकिन इनको तो स्किन पे इतना ग्लो दिख रहा है कि जैसे अभी फेशियल करा के आए। मैंने जिंदगी में कभी भी फेशियल नहीं किया है जी, लेकिन मैं पार्लर चला दी थी तो मैंने कभी भी क्रीम मेरे फेस पे यूज नहीं किया, अभी तो नेचुरली अपनी स्किन जो है वो ग्लो कर गई है। सही बात है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए और आपने सभी दर्शकों को बताया कि नी प्रॉब्लम, थायराइड, वेट लॉस ये सब क्योर हो गया है, हीमोग्लोबिन बढ़ गया है, D3 बढ़ गया है, B12 बढ़ गया है, जितने रिपोर्ट्स में जो भी डेफिशिएंसी थी वो सारी क्योर हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग भी न्यू डाइट सिस्टम कीजिए, और आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में हमें कॉल कर सकते हो, मेरा फोन नंबर है 9824317955, और आपको अहमदाबाद के नारायणपुरा में आना हो तो व्हाट्सअप यही हमारा नंबर है, इसके ऊपर आप हमें मैसेज करके हमारा एड्रेस मांग सकते हो, अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिलने आ सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका भी, गुरु जी का जी, थैंक यू सो मच।